हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कोकोनट ऑयल के ऐसे पांच यूजेस जिसे आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसकी टॉप फाइव होम रेमेडीज़ बता देती हूँ। इस कोकोनट ऑयल की रेमेडीज़ को करने के लिए आपको अनरिफाइंड और प्योर कोकोनट ऑयल चाहिए होगा। कोकोनट ऑयल में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो आप कोकोनट ऑयल का यूज़ एज डायपर रैशेस क्रीम की तरह कर सकते हैं। अगर आपके बेबी को रैशेस हो गए हैं तो उसे आप सिंपली कोकोनट ऑयल लगाकर ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। एक्सट्रीम ड्राइनेस को ट्रीट करने के लिए भी कोकोनट ऑयल का यूज़ किया जा सकता है। आप सिंपली अपनी एल्बोज, नीज और क्रैक्ड हील पर कोकोनट ऑयल अप्लाई करके उसे मॉइस्चराइज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल को आप एंटी रिंकल और एंटी एजिंग क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो हमारे स्किन से रिंकल्स को रिमूव करते हैं और हमारे स्किन को यंग रखते हैं। हेयर ट्रीटमेंट करने के लिए भी कोकोनट ऑयल का यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए आप कोकोनट ऑयल में रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऐड करके अपने बालों में अच्छे से मसाज कीजिए और 30 मिनट्स बाद हेयर वॉश कर लीजिए। इससे हेयर ट्रीटमेंट के साथ अगर आपके स्कैल्प में कोई ईस्ट इन्फेक्शन या डैंड्रफ है तो वो भी दूर हो जाएगा। कोकोनट ऑयल का यूज़ आप आई लैशेस क्रीम की तरह भी कर सकते हैं। अगर आपकी पलकों की ग्रोथ कम है या बहुत ज़्यादा थिन है तो आप एवरी नाइट इसे अप्लाई करके छोड़ दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को टू गेट बेस्ट होम रेमेडीज एंड फूड रेसिपीज। यू नेक्स्ट।